सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का BGMI के एक और ब्रांड नई वीडियो में। तो भाई यार, फाइनली BGMI 1.6 वर्जन आ चुका है एंड साथ ही साथ इसके साथ आपको ढेर सारे नए बेसिक सेटिंग्स भी देखने को मिलेंगे, ढेर सारे नए ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारे बेसिक सेटिंग्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ A to Z। सिर्फ नए नहीं, जितने पुराने हैं एंड साथ ही साथ जितने नए हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको बताऊँगा इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इसका यूज़ क्या है एंड यार ये कब यूज़ करना चाहिए। तो मेरे भाई आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मेक श्योर यार इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बेसिक सेटिंग के बारे में सब कुछ बता दूंगा, सारे फीचर सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड यार इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा कोई भी बेसिक सेटिंग पे वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और राइट गाइस, बात करते हैं सबसे पहले फीचर की। तो यार सबसे पहले तो आप देख सकते हो आपका जो बेसिक सेटिंग है वो इस अपडेट में 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, एम एंड टैप टू फायर, एडवांस फीचर, प्राइवेसी एंड सोशल, ताकि आप काफ़ी इजीली ढेर सारे सेटिंग्स को इजीली असेस कर सको। जैसा कि आप देख सकते हो एडवांस फीचर में आपको सारे एडवांस फीचर देखने को मिल जाएंगे, प्राइवेसी एंड सोशल में आपको जो भी इन गेम सोशल से रिलेटेड है यानी कि जैसे लाइक देना, इमोट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी एंड एम एंड टैप फायर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और लड़के तो सबसे पहले बात करते हैं एम असिस्ट की। तो इसे हमेशा ऑन रखा करो। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो इनेबल फॉर ईजियर एम, इसका मतलब क्या है कि एम असिस्ट अगर ऑफ रहता है एंड एनिमी के अगर आप थोड़ा सा अगल बगल मारते हो तो वो नहीं कनेक्ट होगा, बट अगर आप इसे ऑन रखते हो तो ईजिली वो एनिमी को ही लगेगा। ये यार बेसिकली एक मैग्नेट की तरह काम करता है, यानी कि आपका जो एम है वो एनिमी पे ही जाएगा। अगर आप बुलेट फायर करते हो एंड एम असिस्ट ऑफ है, थोड़ा सा इधर उधर अगर बुलेट है तो वो डायरेक्टली हिट करेगा एनिमी को ही। तो ये बेसिकली एक मैग्नेट का काम करता है, ठीक है। इसे हमेशा ऑन रखा करो एंड अगर आपको अपना एम इम्प्रूव करना है तो इसे ऑफ रखा करो, ठीक है। बात करते हैं ब्लॉक साइट वार्निंग की। ऑलराइट गाइस, तो इसे और फटाफट से देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले यार ब्लॉक साइट वार्निंग आप देख सकते हो ऑन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड कलर का आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि आप फायर नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको डिसेबल करोगे ये आप देख सकते हो यहाँ भी आप फायर कर सकते हो। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है, आप खिड़की के पास खड़े होते हो एंड यार एनिमी को मारना होता है बट आप मार नहीं पाते हो क्योंकि आपको कुछ ऐसा रेड कलर का सिंबल देखने को मिल जाता है। तो आई विल रिकमेंड इसको ऑफ रखा करो। ऑफ रखोगे तो यार आपको कोई वार्निंग देखने को नहीं मिलेगा, आप कहीं भी फायर कर सकते हो, भले ही बुलेट लगे या ना लगे बट आप फायर कर सकते हो। इस बात करते हैं हम दूसरे अपने सेटिंग के बारे में। तो यार ये है शॉटगन फायरिंग मोड, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे पास शॉटगन ही है। मैं जैसे ही फायर बटन पे टैप करता हूँ फायर हो जाता है, ठीक है। एंड जैसे ही मैं इसे रिलीज़ पे कर दूंगा तो मैं यहाँ पे टैप करा रहूँगा बट फायर नहीं होगा, जैसे रिलीज़ करूँगा फायर हो जाएगा, ठीक है। आप देख लो मैंने यहाँ पे टैप किया बट फायर नहीं हो रहा है, एंड जैसे ही यहाँ से हटाऊँगा रिलीज़ करूँगा आप देख सकते हो फायर हो जाता है। तो यार यही ये सेटिंग है, इसको टैप पे रखा करो। बोल्ट एक्शन यानी कि क्रॉसबो फायरिंग मोड में भी यही होता है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यार बोल्ट एक्शन यानी कि स्नाइपर राइफल होता है, तो मेरे हाथ में एक स्नाइपर है। यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो ये अभी टैप पे है, तो जैसे मैं यहाँ फायर बटन पे टैप करूँगा आप देख सकते हो फायर हो जा रहा है, ठीक है। एंड मैं जाके अगर सेटिंग से चेंज कर देता हूँ, मैं इसे रिलीज़ पे कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर फायर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो मैंने होल्ड किया तो स्कोप ऑन हो गया, जैसे ही रिलीज़ करूँगा फायर हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, टैप पर रखोगे तो टैप करते ही फायर हो जाएगा, रिलीज़ पर रखोगे तो यार रिलीज़ करते ही फायर हो जाएगा। हेडशॉट साउंड इफेक्ट, ये यार BGMI 1.6 अपडेट में नया देखने को मिलेगा। इसे हमेशा ऑन रखा करो। इसे ऑन रखोगे तो अगर एनिमी के हेड पे मारोगे तो आपको एक स्पेशल साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा जो कि आपको इन गेम पता चल जाएगा। इसको हमेशा ऑन रखा करो, ठीक है। ये एक नया अपडेट है। उसके बाद बात करते हैं अपने अगले ऑप्शन के बारे में, तो वो है कैमरा रोटेशन वाली ADS। तो सिंपली आप इसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अगर आप इसे इनेबल कर देते हो तो स्कोप ऑन करके यानी कि ADS करके आप काफ़ी ईजिली कैमरा को इधर उधर रोटेट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर इसे ऑफ कर देते हो तो नहीं होगा। और अगर बात करते हैं स्कोप मोड की, तो ये टैप होल्ड मिक्स पे देखने को मिलता है। मैं इसे होल्ड पे रखता हूँ, आप टैप पे रखना, ये कंट्रोल पे डिपेंड करता है आपका कैसा कंट्रोल है। मेरा यहाँ पे है स्कोप का बटन, इसलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ इसे, और अपने इंडेक्स फिंगर से, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से इसे होल्ड पे रखता हूँ और फिर फायर करता हूँ, ठीक है। आप इसे होल्ड पे या फिर टैप पे कहीं भी रख सकते हो, बट अगर आप होल्ड पे रखोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, तभी स्कोप ओपन हुआ होगा एंड जैसे ही हटाओगे स्कोप ऑफ हो जाएगा। एंड अगर टैप पे रखते हो तो एक बार टैप करके हटा भी लो तो ये स्कोप ऑन ही रहता है। उसके बाद गाइस बात करते हैं अगले, स्कोप मोड हो गया। उसके बाद कैंडिडेट साइड बटन की, तो यार फटाफट से पहले कैंडिडेट साइड बटन ले लेते हैं।
तो कैसे, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको स्कोप ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हो मेरा कैंडिडेट साइट कहाँ पे है। अभी मैंने इसे स्विच, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसे टैप टू स्विच पे रखा है, ठीक है। तो मैं अगर कैंडिडेट साइट पे ऐसे लगाता हूँ तो ये आप देख सकते हो ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसे सिंपली यहाँ पे आके टैप टू यूज़ कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं जैसे ही टैप करूँगा काफ़ी इजीली आप ऐसे इसे रेड डॉट की तरह यूज़ कर पाओगे, यानी कि रेडी टू यूज़ है। सिंपली आपको ऐसे सीधे मारना होगा, जैसे यहाँ पे टैप करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे टैप करोगे आपका सीधे ये रेड डॉट की तरह आ जाएगा और आप इसे काफ़ी इजीली मार सकते हो अगर आप इसे टैप टू यूज़ पे रखते हो। टैप टू स्विच पे रखते हो तो पहले ये होगा, उसके बाद आपको स्कोप ऑन करके मारना पड़ेगा, ठीक है। समझ, देखो यार, सबसे पहले अगर आप इसे टैप टू स्विच पे रखते हो, यानी कि यूज़ पे नहीं है, स्विच पे है, तो इसे आप अगर टैप करोगे तो पहले ये आएगा, उसके बाद आपको स्कोप ऑन करना पड़ेगा, फिर ये वर्क करेगा, ठीक है। बट अगर आप इसे रखते हो टैप टू यूज़ पे तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है यार, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली स्कोप ऑन हो गया, सिंपली आपको इसे डायरेक्ट यूज़ करना है। तो ये फीचर है जो कि आप अपने हिसाब से इनेबल या डिसेबल रख सकते हो। मैं तो यार कैंडिडेट साइट यूज़ ही नहीं करता हूँ। डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन, ये क्या है, अभी ऑलवेज ऑन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फायर बटन है, दो दो फायर बटन आपको देखने को मिल रहे होंगे। मैं आपको कंट्रोल्स में जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको दो दो फायर बटन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं इसे ऑफ़ करूँगा, जैसे ही मैं इसे यहाँ पे स्कोप ऑन करता हूँ, मैं अगर स्कोप ऑन करूँगा, ठीक है, तो मुझे ये देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। अभी देखो मैंने स्कोप ऑन किया तो मुझे ये देखने को मिल रहा है दूसरा फायर बटन। एंड मैं अगर इसे हमेशा क्लोज कर दूँ तो मैं कुछ भी कर लूँ यार ये नहीं दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैं स्कोप ऑन ऑफ करूँ, मेरे पास एक ही फायर बटन है, दूसरा फायर बटन दिख ही नहीं रहा है। इस बात करते हैं हम अगले सेटिंग फोकल लेंथ एडजस्टमेंट के बारे में। तो अभी टैप पे है, ठीक है। तो 6x में जो आपको एडजस्ट का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे आप टैप करोगे, उसके बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एंड ऊपर नीचे आप स्वाइप कर सकते हो अगर टैप पे है तो। अभी बात करते हैं हम इसे अगर हम रख देते हैं होल्ड पे तो क्या होगा। होल्ड पे रखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे टैप करने पे कुछ नहीं होगा, एडजस्ट वाले बटन पे यहाँ पे होल्ड करना है एंड उसको ऊपर और नीचे स्वाइप करने से आपका डायरेक्टली स्कोप आगे पीछे हो जाएगा, मतलब 3x और 6x में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये यार टैप एंड होल्ड में यही चेंजेस है, आप अपने हिसाब से जैसा भी आप प्रीफर करते हो आप रख लेना, ठीक है। बात करते हैं अगले के बारे में, पीक। ऑब्वियसली यार पीक को अगर आप इनेबल करते हो तो आपको पीक बटन दिखेगा, ऑफ कर देते हो तो नहीं दिखेगा, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अगला जो है वो है अपने पास पीक एंड ओपन स्कोप। तो ऑब्वियसली ये आपको पता होगा, ये अगर आप इनेबल करते हो तो जैसे ही पीक करोगे स्कोप ऑन हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप डिसेबल करते हो तो आपको पीक करने से ये कभी भी ऑन नहीं होगा स्कोप, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे डिसेबल पे रखता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मान लो आप कभी कवर में हो, ठीक है, एंड बंदा सामने से पुश करे तो आप ऐसे निकल के इसे मार सकते हो, बट अगर ओपन स्कोप होगा तो आप काफ़ी इजीली से मार नहीं पाओगे। तो ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इसे हमेशा डिसेबल रखता हूँ। आप इनेबल भी रख सकते हो, मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। इस बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग के बारे में। तो सबसे पहले ये ऑफ है, ठीक है, तो ऑफ है तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लीन किया, पिक किया एंड उसके बाद अगर इसी बटन पे रख के मैं इधर उधर स्वाइप कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मैं कैमरा को ऐसे स्वाइप नहीं कर पा रहा हूँ, पीक बटन पे रख के मैं कैमरा को स्वाइप नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं इसे इनेबल कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो पीक बटन पे मैं रख के कैमरा को स्वाइप काफ़ी इजीली कर लूँगा, इवन देन व्हेन पीक ऑन है, ठीक है, देख सकते हो ये पीक बटन पे रख के काफ़ी ईजिली आप कैमरा को इसे स्वाइप कर सकते हो। एंड अगर आप इसे ऑफ रखते हो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आप पीक बटन पे क्लिक करके कैमरा को स्वाइप नहीं कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली ऊपर नीचे कर सकते हो, बट पीक बटन पे क्लिक करके आप कैमरा को स्वाइप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसे हमेशा ऑन रखना यार। लीन मोड, टैप, होल्ड, मिक्स, आप पे डिपेंड करता है। टैप यानी कि जैसे ही मैंने इस पीक बटन पे टैप किया मेरा पीक हो चुका है, बट अगर आप इसे होल्ड पे रखते हो तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। होल्ड पे रखोगे तो आपको ऐसे होल्ड पकड़ना पड़ेगा, तभी रहेगा, जैसे ही हटाओगे वापस से ये अनपीक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें मिलती हैं, साथ ही साथ मिक्स टायरिंग की आप अगर लॉन्ग प्रेस करे रहोगे तो आपको ऐसे हो जाएगा। सर ये सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम एम फीचर के बारे में। सर आपको पता होगा एम फीचर, ये जो है ये आपको एम फीचर है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ऐसे मेरा काफ़ी लो है यार। मैं आपको इस कंट्रोल्स में जाके इसको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हो इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा के, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे आप ये बटन देखने को मिल रहा है, तो ये एम फीचर है, ठीक है। अभी ये काम कर रहा है, ऑलराइट काम करना चाहिए भी। अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ तो यार ये बटन ही गायब हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये यार सबसे पहले तो आपको इसमें ये देखने को मिलता है, इसको इनेबल करते हो। उसके बाद कैमरा रोटेशन फीचर, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसे ऑन करके आप ऐसे कैमरा को काफ़ी ईजिली रोटेट नहीं कर पाओगे, बट
अगर आप इसे ऑन कर देते हो तो आप यहाँ इस आइकन पे भी रख के काफ़ी इजीली इधर उधर स्वाइप कर सकते हो, बट अगर उसे ऑफ रखोगे तो काफ़ी इजीली इधर उधर स्वाइप नहीं होगा। सारी चीज़ें सेम है यार, बस नाम बदला है। ठीक है, देखो ऊपर भी जो था कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग, तो जो वो काम था वही काम इसका भी है, बस वो लीन के लिए था और ये एम फीचर के लिए है। ऑल राइट, उसके बाद गाइस बात करते हैं जायरोस्कोप की। तो जायरोस्कोप तो आपको पता ही होगा यार, ये जो ये बिना स्वाइप किए जो स्क्रीन रोटेट होता है, जो स्कोप इधर उधर होता है, ये जायरोस्कोप से होता है। जायरोस्कोप को आप ऑन ऑफ और क्लोज भी कर सकते हो। स्कोप ऑन यानी कि जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जितना भी अपना मोबाइल रोटेट कर लूँ, इधर उधर कर लूँ, नहीं हो रहा है, बट स्कोप ऑन करके करूँगा तो काफ़ी इजीली आप देख सकते हो रहा है। तो अगर आप स्कोप ऑन पे रखते हो तो जायरोस्कोप आपका सिर्फ और सिर्फ स्कोप ऑन पे काम करेगा। जायरोस्कोप यानी कि अगर आप अपना मोबाइल राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं भी अगर रोटेट करते हो तो उस हिसाब से आपका कैरेक्टर भी रोटेट होता है। तो मैं इसे हमेशा ऑलवेज ऑन पे रखता हूँ, आप अपने हिसाब से रख लेना। जायरोस्कोप रिवर्स क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अगर अपने मोबाइल को ऊपर ले जाता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा ये ऊपर जा रहा है, नीचे ले जाता हूँ तो आप देख सकते हो नीचे ले जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर यहाँ पे जाऊँ एंड जायरोस्कोप को रिवर्स कर दूँ तो आप देख सकते हो ऊपर ले जा रहा हूँ तो नीचे आ रहा है, नीचे ऊपर, यार नाम से ही सब कुछ क्लियर है। ठीक है, ये सिंपली जो पहले होता था उसका रिवर्स कर देगा, इसमें और कोई चीज़ें नहीं है। FPP स्वैप क्या होता है ये तो आपको पता होगा यार, आपको TPP क्लासिक मैच में FPP बटन देखने को मिलता है। ठीक है, ये है FPP स्वैप, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपको FPP का बटन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसे ऑफ कर देते हो तो आपको FPP का बटन देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो बटन जो है वो गायब हो चुका है। तो यही है FPP स्वैप। तो गाइस बात करते हैं अपने अगले ऑप्शन जिसका कि नाम है यहाँ पे सिंपली आपको FPP डायनेमिक होल्डिंग। तो अगर आप इसे इनेबल कर देते हो तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, बट जैसा कि आप देख सकते हो आपका गन जो है वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, एंड अगर इसे ऑफ रखते हो तो गन थोड़ा सा ऊपर रहेगा और कोई ज़्यादा चेंज इससे होता नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर काफ़ी ईजिली देख ही सकते हो। उसके बाद गाइस बात करते हैं अगले फीचर के बारे में जो कि अपने पास है, फर्स्ट पर्सन कैमरा व्यू। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ FPP में कैमरा व्यू। ठीक है, अभी आप देख सकते हो सिंपली कितना दूर का आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सिंपली आप देख सकते हो कितना दूर का दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसे बढ़ा दोगे सिंपली यहाँ पे सबसे ज़्यादा 90-103 पे कर दोगे तो आप देख सकते हो आपका व्यू जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो वही सेम यहाँ पे TPP के साथ भी होता है, पहला FPP था एंड दूसरा TPP है। ठीक है, थर्ड पर्सन, यहाँ पे आप देख सकते हो TPP में आपको कितना व्यू देखने को मिल रहा है। एंड जैसे ही आप इसे ऑन करोगे यहाँ पे सिंपली जाके आप इसे जैसे ही फुल पे कर दोगे आप देख सकते हो आपको कितना ज़्यादा व्यू देखने को मिल रहा है। तो ये यार हमेशा सबसे ज़्यादा पे रखना, आपको iPad व्यू देखने को मिलता है। ये एक बेसिकली 1.5 में नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर बात करते हैं यार यूनिवर्सल मार्क की, तो आपको पता ही होगा ये जो आपको यूनिवर्सल मार्क देखने को मिल रहा है, अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो नहीं देखने को मिलेगा, बस और कोई ज़्यादा इसमें फीचर नहीं होता है। उसके बाद गाइस बात करते हैं हम अपने अगले फीचर के बारे में यानी कि अगले सेटिंग्स के बारे में। तो इसमें आपको jump/climb देखने को मिलता है। तो अगर ये यार ऑब्वियसली आपको पता होगा, इसे अगर डिसेबल कर दोगे तो दो बटन आपको देखने को मिल जाएंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, एंड अगर इनेबल कर दोगे तो दोनों जो है वो कंबाइन हो जाते हैं एक ही में, जैसा कि आप देख सकते हो वो वाला बटन गायब हो गया एंड ये काफ़ी इजीली दोनों जो है कंबाइन हो जाते हैं। गाइस बात करते हैं अपने अगले फीचर क्विक थ्रो फीचर के बारे में। तो यार इनेबल रखोगे तो ये काफ़ी पहले का फीचर है, अगर आप इसे इनेबल कर देते हो तो ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो डायरेक्ट आप फेंक सकते हो किसी भी थ्रोएबल्स को। ठीक है, अभी मेरे पास थ्रोएबल्स नहीं है इसलिए मैं नहीं फेंक के दिखा सकता, बट यार काफ़ी इजीली आप यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हो अगर आप इसे ऑन रखते हो तो आप काफ़ी इजीली थ्रोएबल्स फेंक सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा उसके बाद फेंकना होगा, सिंपली सर्कल में आपको किसी भी साइड ले जाना है, उस थ्रोएबल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा एंड बस सीधे आपको फेंक देना है, सेलेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड अगर डिसेबल करते हो तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंटिन्यूसली यूज़ बैंडेज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 1.6 में। सिंपली अगर आप इसे इनेबल करते हो तो जब तक आपका हेल्थ 70% नहीं हो जाता तब तक ये बैंडेज ऑटोमेटिकली लगाते रहेगा, इवन दो अगर आप अपने फाइट में हो तो भी ये लगाते रहेगा इनेबल करोगे तो। अगर डिसेबल कर देते हो तो जितना आप लगाओगे उतना बैंडेज लगेगा, उसके बाद बैंडेज लगना बंद हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि यार 1.6 अपडेट में दे दिया गया है, नाम से ही क्लियर है। ऑब्वियसली आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यूसली यूज़ बैंडेज करना है, इनेबल कर दो, एंड अगर नहीं करना है तो डिसेबल कर दो। मर्जिंग क्राउचिंग एंड लेइंग प्रोन, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यार मेरे पास प्रोन का अलग है एंड यहाँ पे क्राउच का अलग बटन है, एंड जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ जिसका कि नाम है मर्जिंग क्राउच एंड लेइंग, मैं इसे इनेबल करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा बटन गायब हो गया, किसका, प्रोन का बटन गायब हो गया। एक बार अगर मैं टैप करूँगा क्राउच बटन पे, एक बार टैप करने पे बैठ जाऊँगा एंड अगर लॉन्ग प्रेस किया रहूँगा तो सो जाऊँगा। ठीक है, तो ये यार फीचर बेसिकली COD मोबाइल में था एंड इसमें BGMI 1.6 में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है।
आप देख सकते हो लॉन्ग प्रेस करे रहोगे तो आप काफ़ी इजीली यहाँ पे सो जाओगे, एंड अगर सिंपली अगर एक बार टैप करोगे तो काफ़ी इजीली क्राउच कर जाओगे। तो आप पे डिपेंड करता है आप इसे इनेबल रखना चाहते हो या फिर डिसेबल, एंड इसका काम क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कौन सेफ थ्रोइंग एरिया फीचर, कौन सेफ मतलब जैसे कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी इजीली एक थ्रोएबल मिल जाएगा एंड इसे आप काफ़ी इजीली ऐसे फेंक सकते हो। कौन सेफ बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हो। तो यार इसका कोई वैसे ज़्यादा यूज़ है नहीं, बट आप इसे हमेशा इनेबल रखना। ऑलराइट गाइस, बात करते हैं अपने अगले सेटिंग के बारे में, क्विक थ्रो फीचर। ठीक है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विक थ्रो फीचर। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसे इनेबल किया, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग प्रेस किया हूँ एंड काफ़ी इजीली थ्रोएबल मैंने फेंक दिया। ठीक है, लॉन्ग प्रेस करके कहीं भी मैं सेलेक्ट करके काफ़ी इजीली थ्रोएबल फेंक दूंगा। बट अगर मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, अगर मैं एडवांस फीचर में जाता हूँ एंड इसको डिसेबल कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक बार टैप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे हाथ में आएगा हीलिंग या फिर जो भी आपके पास है एंड उसके बाद आपको फेंकना पड़ेगा। बट अगर आप इसे हमेशा इनेबल रखते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है एंड ऑटोमेटिकली ऐसे आप फेंक सकते हो। कौन फीचर की अगर बात करें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका बेसिकली यूज़ क्या है। मतलब देखो क्या होता है कि अगर आप इसमें ये जो आपको देखने को मिल रहा है इसमें जाओगे, हीलिंग सेलेक्ट करोगे तो सबसे पहले वो आपके हाथ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुक करके ऐसे फेंकना होता है। बट अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हो तो सिंपली आपको उसे डायरेक्टली फेंक ही दिया जाएगा, सेलेक्ट करने का कुक करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, जो भी आपके पास है उसको ऐसे जैसे ही सेलेक्ट करोगे सीधे वो ऐसे थ्रो हो जाएगा। तो मेक श्योर आप इसे स्विच या फिर टैप जिस पे रखना चाहते हो रख सकते हो। बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसका यूज़ क्या है। स्प्रिंट सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो कि BGMI 1.6 अपडेट में आया है। सिंपली आपको इसे ऐसे 100 पे कर देना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर आप 100 पे करोगे तो आप देख सकते हो कितना तेज मैं भाग रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जस्ट थोड़ा सा ऊपर किया और मेरा स्प्रिंट ऑन हो गया। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। बट अगर मैं इसे यहाँ पे 0 पे ले जाता हूँ, अब देख सकते हो इसे 0 पे ले जाने के बाद मैंने कितना ऊपर तक खींच दिया, उसके बाद जाके ये स्प्रिंट ऑन हो रहा है। तो यही है यार, आपको सिंपली इसे अपने डिवाइस के हिसाब से ऑन या ऑफ रखना है। अगर लो एंड डिवाइस है तो इसे आप बढ़ा सकते हो, एंड अगर मिड डिवाइस है तो आप इसे 60 पे रख सकते हो। बाकी यार नॉर्मली तो 50 पे रहता ही है, 100 करोगे तो काफ़ी इजीली जस्ट आपको थोड़ा सा ऊपर करना है ना, आप देख सकते हो आपका स्प्रिंट आ जा रहा है। तो यही ऑप्शन है जो कि आपको यूज़ करना है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। बात करते हैं अगले फीचर के बारे में, अलाउ टूगलिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट UI। तो अगर आप इसे इनेबल करते हो तो सिंपली ये जो आपको बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का लोगो देखने को मिल रहा है इस पर अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो, ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेस किए रहते हो तो काफ़ी इजीली आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिक मैच में काम करता है। सिंपली आपको क्या करना है, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो लोगो देखने को मिल रहा है इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे लॉन्ग प्रेस करोगे काफ़ी इजीली आपका जो है सारे के सारे कंट्रोल्स डिसअपियर हो जाएंगे, काम करेंगे बट बस दिखेंगे नहीं। ये आप मॉन्टेज उन्टेज बनाते हो तो आप सिंपली उस पर कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ होल्ड द बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लोगो इन मैच टू इनेबल या डिसेबल। ठीक है, सिंपली कुछ आपको करना नहीं है, इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस करे रहोगे आपका पूरा कंट्रोल गायब हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिक मैच में काम करता है। गाइस बात करते हैं अपने अगले फीचर के बारे में, तो ऑटो ओपन डोर आपको पता होगा, हीली प्रॉम्प्ट आपको पता होगा। इसमें क्या होता है, मान लो आपके पास 70% हेल्थ है तो ऑटोमेटिकली आपको ये प्रीफर कर देगा कि आपको पेन किलर एनर्जी ड्रिंक क्या लेना है। ठीक है, नहीं तो आपको खुद से सेलेक्ट करके लेना पड़ेगा। तो ये आपको हमेशा ऑन रखना है। मतलब कि जैसा कि आप यार आपने नोटिस किया होगा, अगर आपका हेल्थ रेड होता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको हेल्थ किट ही दिखता है एंड टैप करके आप सिंपली उसे लगा लेते हो। बट अगर आप इसे डिसेबल कर लोगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि क्या लगाना है, उसके बाद लगाना पड़ेगा। तो इसे हमेशा ऑन रखना, ये आपको रिकमेंड करता है कि इस सिचुएशन में आपको कौन सी हीलिंग की ज़रूरत है। डिफ़ॉल्ट पैराशूट फॉलो आपको पता होगा, अगर एनिमी के पास मतलब आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आप ऑटोमेटिकली उसको फॉलो कर लेते हो। आपने मैच में देखा होगा कि यू आर फॉलोइंग दिस, ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो भी। तो इसे इनेबल रखोगे तो वैसा होगा, डिसेबल कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन वाइब्रेशन आपने देखा होगा, गोडजिला जब भी यार पूछ मारता था तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट होता था, वही फीचर है। डिसेबल कर दोगे तो फ़ोन में वाइब्रेशन आपको नहीं लगेगा, इनेबल कर दोगे तो लगेगा। तो ये फीचर इनेबल रखना क्योंकि काफ़ी जल्दी फिर से गोडजिला आने वाला है। स्लाइड आपको पता होगा यार ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ TDM में काम करता है। आपको पता होगा TDM में आप काफ़ी इजीली ऐसे टैप करके स्लाइड कर सकते हो, तो ये TDM में काम करता है, इसे आप काफ़ी इजीली TDM में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगले फीचर की बात करते हैं, इन मैच लाइक फीचर, चिकन डिनर कंप्लीट कर दो, या फिर अगर कोई आपको रिवाइव देता है तो आपके पास एक हार्ट का आइकन आता है तो उसे टैप करके आप काफ़ी इजीली लाइक दे सकते हो। प्ले इमोट तो आपको पता ही होगा, देखो ऊपर प्ले इमोट
इमोट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसे यहाँ पे प्ले करूँगा काफ़ी इजीली मेरे पास इमोट आ जाएगा, एंड मैं अगर इसे ऑफ करता हूँ तो इमोट चला जाएगा। तो ये सारी पहले के फीचर है यार, आपको मेक श्योर पता होनी चाहिए, पता होगी भी। अब देख सकते हो इमोट गायब हो गया, ठीक है। तो ये फीचर आप यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी यार मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। सो आइलैंड ब्रॉडकास्ट, ये क्या होता है, जब भी आप गेम में जाते हो तो वो लिखता है ना, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया इज ए वर्चुअल गेम सेट इन द सिमुलेशन वर्ल्ड, तो वो जो वॉइस होता है वो उसे आप डिसेबल कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसे डिसेबल कर रखा है, आप भी डिसेबल कर देना। वो जो यार गेम में जाते ही बार बार दिमाग खराब हो जाता है, तो इसको हमेशा डिसेबल करना। अदर प्लेयर के पास अगर कबूतर या फिर कोई भी गॉडजिला कंपेनियन होता है तो वो शो करता है, तो अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो शो नहीं करेगा। इनेबल करोगे तो सामने वाले के पास क्या कंपेनियन है ये आपको शो करेगा। सो योर कंपेनियन FPP में अगर आप इनेबल कर दोगे तो दिखाएगा, एंड डिसेबल कर दोगे तो नहीं दिखाएगा। जैसे कि मान लो आपके पास अगर एक कबूतर है, ठीक है, तो TPP में तो दिखता है बट FPP में नहीं दिखता है। तो यहाँ से आप सेटिंग में जाके काफ़ी ईजिली उसे दिखा सकते हो, चाहो तो TPP में भी हाइड कर सकते हो। उसके बाद यार कनेक्शन, यानी कि अगर आप चाहो, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई और भी प्लेयर, अगर मान लो आपको स्पेक्टेट कर रहा है, आपकी ID मिल गई, तो वो अगर आपका रिजल्ट देख ले तो आप इसे इनेबल करो। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट KD कुछ भी कोई ना देख पाए तो सिंपली आप इसे डिसेबल कर दो। शॉर्ट फिट क्या होता है, मान लो आपने किसी को मार दिया, वो आपको स्पेक्टेट कर रहा है, तो उसको दिखाता है कि आपके पास कौन कौन सी आउटफिट है, तो इसे आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो ताकि उसको शो ना करे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिसेबल कर सकते हो कि आपको पॉपुलैरिटी ना दिखे, दूसरे प्लेयर किसी की भी पॉपुलैरिटी देख सकते हैं, तो यार काफ़ी इजीली आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो कि कोई भी आपकी पॉपुलैरिटी देख ना पाए, ठीक है। बात करते हैं अगले सेटिंग के बारे में, तो यार यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले टाइम फॉर्मेट, तो इसे आप चेंज कर सकते हो। ये 1.6 में नया आया है, तो आप काफ़ी इजीली इसे कर सकते हो। उसके बाद यार आपको कुछ ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यार ये सारी चीज़ें आप पहले से ही जानते हो, अगर नहीं जानते तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। जैसे कि यार पहला था व्यू रेडियो मैसेज, ठीक है। तो वैसे आपको चैट में यार हमेशा रेडियो मैसेज देखने को मिलता रहता है, ये है रेडियो मैसेज, अगर कोई सेंड करेगा तो आपको दिखता रहता है। तो आप सिंपली सेटिंग्स में जाके इसे ऑफ़ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी इजीली आप यहाँ से इसे डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद अलाउ स्ट्रेंजर टू फॉलो मी इन द चेयर पार्क, अगर आप चेयर पार्क में हो उसमें अगर आप चाहते हो कि किसी को फॉलो कर लो तो आप सिंपली इसे इनेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप फ्रेंड को चाहते हो कि वो सेम चेयर पार्क में आ जाए तो आप इसे सिंपली इनेबल कर सकते हो। क्विक ड्रॉ इनवाइट जो कि आपको चेयर पार्क में देखने को मिलता है, सिंपली आप इसे इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद अगर आप रॉयल पास बाय किए हो एंड दिखाना चाहते हो कि हाँ भाई मैंने रॉयल पास बाय किया, तो इसे इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। ऐसा ही यार ये ढेर सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपके बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो रॉयल पास इन्फॉर्मेशन, आपने बाय किया है कि नहीं किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी सेटिंग्स है जो कि आपको BGMI 1.6 में देखने को मिलेंगे। बस भाई लोग आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे सेटिंग्स एक्सप्लेन कर दिए जो कि आपको BGMI 1.6 वर्जन में देखने को मिलते हैं। नो मैटर वो सेटिंग पुरानी है या फिर नई इंट्रोड्यूस हुई है, सारी की सारी मैंने आपको सेटिंग्स एक्सप्लेन कर दी है। तो यार मेक श्योर मैंने आपको बता दिया कि उससे क्या होता है, आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हो, आप उसे अपने हिसाब से इन गेम यूज़ कर लेना। तो यार आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो फटाफट से खत्म करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही BGMI से ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहती है। एंड हाँ गाइस, अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर से करना। एंड गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि यार आप देख सकते 15K सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो यार मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना। तो मिलता हूँ आपसे एक और ब्रांड वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए।